ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं खत्म कर देगा किशनगढ़ से। ये महज एक शख्स को मिली धमकी की गवाही नहीं है, बल्कि उस पिता की मजबूरी की पूरी कहानी है जिसकी बेटी को पहले अगवा किया गया और फिर दरिंदों ने दहशत का शिकार बनाया। बेटी की तलाश में लाचार पिता भटकता रहा, दर दर की ठोकर खाता रहा, लेकिन बेटी की बजाय उसे मिली जान से मारने की धमकी। एक बात मैं तेरे को समझा दूं कि आपने अगर मतलब ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं ख़त्म कर देंगे किशनगढ़ से पहले पहले। मैंने बोला मेरी लड़की मिल जाएगी, तेरी लड़की मिल जाएगी, बात बोल देना। बीते दिनों अलवर में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि गैंगरेप के आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं और डरा धमका रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म की यह खौफनाक तस्वीर है, क्योंकि अकेले अलवर में बीते 15 दिनों में 7 बेटियां गैंगरेप का शिकार हो चुकी हैं। और अब महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बावजूद गहलोत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसी वजह से अपराधी बेखौफ हैं। जुर्म का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 6 महीने में रेप की घटनाएं 30% बढ़ी। जून महीने में रेप के 561 मामले, जून में हर दिन रेप के 19 केस, पिछले साल की तुलना में 37% ज्यादा अपहरण के मामले, 38% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं, तो मैं आपको बतला देता हूं, जो उनका बचाव है कि हमने केस करना आसान कर दिया, ऐसा नहीं है। केस करने के लिए भी वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदातें 30% बढ़ गई। बीजेपी का आरोप तो ये भी है कि गहलोत सरकार में प्रशासन आरोपियों की पहचान के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, ताकि सरकार के वोट बैंक पर असर ना पड़े। लेकिन 1 जुलाई को एक कृष्ण वाल्मीकि नामक व्यक्ति की सरियों से और डंडों से मार मार के हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मारने वालों की जो पहचान हुई है, किसी धर्म से मैं नहीं मानता, वो है कुरैशी, रईस, इमरान, सोहेल, शाहिद, अख्तर अली, लेकिन सन्नाटा है, कानून काम नहीं कर रहा। राजस्थान में महिलाओं को लेकर जिस तरह से हिंसा बढ़ी है उस पर चिंता लाजमी है, और बीजेपी के इस हमले के बाद ये मामले गहलोत सरकार की मुश्किल और बढ़ा सकते हैं। अलवर से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।